दोस्तों, आईपीएल इतिहास में आपने एक टीम का नाम जरूर सुना होगा और वो हमेशा चर्चा में रही है, लेकिन आज तक कभी भी विजय के करीब नहीं पहुंच सकी। वो है आरसीबी। पर क्यों ऐसा हुआ कि आज तक आरसीबी एक भी फाइनल नहीं जीत सकी है? तो इसके पीछे बहुत से रीजन हैं, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग आरसीबी का हिस्ट्री देख लेते हैं। ओवर द ईयर्स आरसीबी के पास बहुत सारे फेमस खिलाड़ी रह चुके हैं। तो अगर हम लोग 2008 में देखें तो इसका फॉर्मेशन किया गया था विजय माल्या द्वारा सेकंड हाईएस्ट बीड लगा के। उस टाइम टीम में थे राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, और उसके बाद ये टीम 2009 में फाइनल में जाती है और फाइनल में 6 रनों से हार जाती है। फिर इसके बाद ये टीम 2010 में भी फाइनल में जाती है केविन पीटरसन की कप्तानी में, लेकिन वहाँ भी टीम को हार का सामना करना पड़ता है। फिर ये टीम 2016 में विराट कोहली की कप्तानी में फिर से फाइनल में जाती है और वहाँ पे सनराइजर हैदराबाद द्वारा टीम को हरा दिया जाता है। इनकी खराब परफॉर्मेंस ओवर द ईयर लगातार जारी है। अभी भी 2024 के सेशन में ये लोग बहुत सारे मैचेस हार चुके हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आती है आरसीबी की मैनेजमेंट, जो कि सबसे बड़ा रोल है वो मैनेजमेंट का होता है। तो अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी टीमें लाइक अगर हम लोग देखें सीएसके, चेन्नई सुपर किंग का देखें, तो वहाँ से आपको बहुत सारे प्लेयर निकले हुए मिल जाएंगे। दीपक चाहर जो कि चेन्नई ने उनको बनाया है, ग्रूम किया है। ऋतुराज गायकवाड़ आपको दिख जाएंगे जिनको चेन्नई ने ग्रूम किया है। आपको दिख जाएंगे इस पथिराना जिनको चेन्नई ने ग्रूम किया है। अगर मुंबई की तरफ आए तो आपको मिल जाएंगे हार्दिक पांड्या, मिल जाएंगे कुणाल पांड्या, मिल जाएंगे आपको जसप्रीत बुमराह, मिल जाएंगे ईशान किशन, मिल जाएंगे सूर्य कुमार यादव। की पहले परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन मुंबई ने उनको ग्रूम किया। और दूसरी मिस्टेक आती है ऑक्शन में मिस्टेक, जो कि आरसीबी ने अपने बहुत सारे यंगस्टर्स को रिलीज कर दिया। लाइक केएल राहुल अपने इनिशियल फेस में थे तब आरसीबी ने उनको रिलीज कर दिया। सीएम दुबे अपने इनिशियल फेस में थे, उनको आरसीबी ने रिलीज कर दिया। उनको ग्रूम करने की जगह इन्होंने उनको रिलीज करना ज़्यादा बेटर समझा। इन्होंने एक प्लेयर को डेवलप किया जो कि थे युजवेंद्र चहल, उनको भी इन्होंने सिराज को रिटेन करने के बाद इनको रिलीज कर दिया। आरसीबी की मैनेजमेंट ने सिराज को रिटेन करके युजवेंद्र चहल को रिलीज कर दिया, जो कि बहुत ही मेजर मिस्टेक थी आरसीबी की मैनेजमेंट के द्वारा। तीसरे नंबर पर आता है डिपेंडेंस ऑन 3 प्लेयर। ये लोग बस 3 प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंस रहते हैं। लाइकली अगर हम लोग पहले देखें तो ये लोग डिपेंड थे क्रिस गेल के ऊपर, एवी डिविलियर्स के ऊपर और विराट कोहली के ऊपर, और कोई इनके पास अदर बैट्समैन नहीं थे या अदर बॉलर भी नहीं थे। बॉलिंग हमेशा से इनकी कमजोरी रही है। तो फिलहाल में ये डिपेंडेंट है फैफ डू प्लेसी पे, मैक्सवेल पे और विराट कोहली। दोस्तों, अगर आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो क्लिक करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ